हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवाज वसीम पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि 15th ऑफ जुलाई को यानी कि नेक्स्ट वीक को हमें किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है। लास्ट आवर में हमने देखा था फ्राइडे के सेशन में जो सेलिंग आई थी, वो जो सेल ऑफ आया था, क्या रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 11,640 है। जब मैंने अपनी पिछली बैंक निफ्टी निफ्टी की वीडियो बताई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि एग्जैक्ट इस लेवल से सेलिंग आ सकती है, तो मैं चार्ट में आपको एक बार दोबारा लेकर चलता हूँ। और गाइस, हम पांच स्टॉक्स जो देखने वाले हैं, जो हमें लगता है कि इंट्राडे में परफॉर्म करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपके लिए एक ट्रेड टॉक की सीरीज लेकर आया हूं। जो भी ट्रेड टॉक की सीरीज में आप लोग मुझे स्टॉक्स बताते हैं, जो भी आपके स्टॉक्स में डाउट होते हैं, तो मैं वो स्टॉक की वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, जिसमें मैं अभी तक टाइटन की, L&T की हम बात कर चुके हैं, और रिलायंस की, इन सबकी वीडियो बना चुका हूँ। तो गाइस, HDFC की भी बना चुका हूँ। अगर आप वो डेप्थ एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का व्यू जानना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके उस लिंक को क्लिक करेंगे जिसके भी आपको वीडियो देखनी है स्टॉक की, तो आप जाके उसे देख सकते हैं गाइस। और इस चैनल के वीडियो खत्म होने के आखिरी में आपको वो वीडियो भी शो कर जाएगी, यहीं पर ही शो कर जाएगी इधर साइड, आपको आप उसको भी जाके देख सकते हैं। सो आपको पूरी टेक्निकल एनालिसिस पर्टिकुलर स्टॉक की समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे। उसमें हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प, इंडोसिंड बैंक, सन फार्मा, LTI और यूनिलिवर। हीरो मोटोकॉर्प बाय करने की सलाह दी जाएगी। मुझे लगता है अब हमें हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक पे बाय अपनी पोजीशन को अलग करके इनिशिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था बहुत टाइम से गिरावट आ रही थी इसमें, पर अब शायद ये एक कंसोलिडेशन में चला गया। वहां से मैंने देखा था कि कल इस पर्टिकुलर स्टॉक पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, तो ये स्टॉक को बाय करने की सलाह दी जाएगी। 2570 है इसका करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस 2555 का आपको मेंटेन करना पड़ेगा। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 2579, स्टॉप लॉस जो आपको सेकेंड टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 2593 का। इंडोसेंट बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी। इसमें मैं आपको दोनों अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, बाय और सेल की। आप यहां देख रहे होंगे कि करंट मार्केट प्राइस इसका शो कर रहा है 1509, स्टॉप लॉस है इसका 1490 का। यस गाइस, अगर ये स्टॉक कल इंट्राडे पे, मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगी, तब अगर ये इंट्राडे पे 1490 का लेवल तोड़ देता है और अगर उसके नीचे सस्टेन करता है, तो फ्रेश शॉर्ट पोजिशन है फॉर अ टारगेट ऑफ 1450 इन इंट्राडे, यानी कि 40 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। 1450 की लेवल्स आप इंडसइंड बैंक के अंदर आराम से देख लेंगे। बट गाइस, क्योंकि ये चैनल में ट्रेड कर रहा है और चैनल के बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे है, सो अगर ये वहां से बाउंस करता है, तो बाउंस करने पे ये 1530-1535 तक आराम से चले जाएगा इंट्राडे के अंदर, तो आप इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि अगर ये 1510 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो आप 1530 के लिए इंट्राडे पे अपनी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर ये 1490 का लेवल इंट्राडे पे ही तोड़ देता है, ओपन होते ही तोड़ देता है हमारा स्टॉप लॉस, तब आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और फ्रेश पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस आपका होगा करंट लेवल, और वहां से आप 1450 के टारगेट्स का आप इंट्राडे टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने आपको इंडसइंड बैंक के बारे में बता दिया है गाइस। सन फार्मा सेल करने की सलाह दी जाएगी। हम देख रहे थे कि पर्टिकुलर काउंटर में सन फार्मा में बहुत दिनों से तेजी आ रही थी, तो वहां पर मुझे लगता है कि जिस लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया, उस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, हायर लेवल रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से शायद ये कोप अप करके ऊपर ना जा पाए। अगर चल जाता है तो हमारे लिए फ्रेश बाइंग इनिशिएट हो जाएगी सन फार्मा के अंदर, पर जिस तरीके से चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं, शायद ये थोड़े दिन और नीचे कंसोलिडेट करेगा, तो मुझे लगता है कि ये 400 के लेवल तक अपनी दोबारा जाने की कोशिश करेगा। तो 400 तक का इंट्राडे में कल आप शॉर्ट पोजीशन है सन फार्मा के अंदर बना सकते हैं फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 1413। LTI बाय करने की सलाह दी जाएगी। फ्रेश बाय पोजीशन मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है, शायद कल के दिन ये कंसोलिडेट और कर दे, पर अगर ये कल के दिन अप मूव देना शुरू करता है, तो मुझे लगता है कि ये 1630 तक भी आराम से जा सकता है, पर इंट्राडे के लिए टारगेट हम 1619 तक के ही रखेंगे LTI के अंदर। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा 1588 का करना पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलिवर सेल करने की सलाह दी जाएगी, तभी दी जाएगी जब ये 1708 के नीचे जाके ट्रेड करता है, क्योंकि गाइस एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहाँ पर 1708 के आसपास। अगर ये उस ट्रेंड लाइन को जिस तरीके से चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान यूनिलिवर तोड़ सकता है, हम देख रहे हैं कि ये 1713 से 1726 या 1700 हम कह सकते हैं 30 के आसपास, इस 20 रुपए के लेवल के आसपास बहुत चार पांच दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। हम देखते थे ऊपर की तरफ खुलता था तो नीचे आ जाता था, नीचे की तरफ खुलता था तो ऊपर चले जाता था,
गाइस उस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है चार्ट पैटर्न जो सजेस्ट कर रहे हैं, जब तक ये 1730 का लेवल क्लोजिंग बेसिस में नहीं बंद खत्म करता, तब तक हम इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते। पर जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1708 के आसपास एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है और वहीं पर इसने क्लोजिंग दे रखी है, अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 1708 के नीचे, अगर ये जाता है तो यहाँ से हम सीधा 1695, 1695, 1690 तक के टारगेट्स भी अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा गाइस 1719 का करना पड़ेगा। ये पांच स्टॉक्स इंट्राडे पे आपको बता दिए गए हैं, ये अगर आप 2 दिन दिन के पर्पज से होल्ड भी करके रखेंगे, अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टाइम पे बाय और सेल करना है, तो आप तब भी पैसा कमा सकते हैं गाइस। अब हम बढ़ते हैं निफ्टी के चार्ट पे, आपको एक चीज मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बता दिया है कि निफ्टी में किस तरीके से हमें कब बाय और सेल पोजिशन इनिशिएट करनी है, तो वो आपको मैं एक बार और हिंट दे देता हूँ। तो बढ़ते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ, वहां पर आपको पता चल जाएगा गाइस किस तरीके से काम होगा। गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ही ओपन करके रखा हुआ है, और निफ्टी के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। सो गाइस ये मैंने जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ये एक सपोर्ट ले रहा है 4 दिन से लगातार, हम देख रहे हैं निफ्टी 50 यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी ये सपोर्ट ले रहा है। सो गाइज अब यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें क्यों देखने को मिली इतनी अच्छी मार्केट में, मार्केट ऊपर थी। सो गाइज मैंने आपको अपनी पिछली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में बता दिया था कि आप देख सकते हैं यहाँ जो एक गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा जी गाइज भाई ये गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, हमने देखा इस लाइन को ये रिस्पेक्ट दे रहा था, यहाँ पर ये सपोर्ट देखने को मिल रहा था। जैसी इस लाइन को इसने ब्रेक करी थी, मैंने आपको अपनी वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बता दिया था कि इस लेवल से आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर लेनी चाहिए। अब गाइस हुआ क्या है, मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी है फॉर अ टारगेट ऑफ, ये गैप फिल होगा यहाँ तक, यानी कि 11430 का लेवल। इसने लो कितना बनाया था अगले दिन, इसने बनाया था 11460 का लेवल, यानी कि 30 पॉइंट रिकवर नहीं हो पाए थे। पर गाइस ज्यादातर होता है पर्टिकुलर इंडेक्सेस में ये चलता है कि अगर ये 20-30 पॉइंट भी रिकवर ना करें, पर हम कहते हैं कि गैप फिल हो चुका है। पर गाइस मुझे नहीं लगता कि इसने ये रिस्पेक्ट दिया होगा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने ये माना होगा, और हम देख सकते हैं एग्जैक्ट जो इसने हाई बनाया था इंट्राडे फ्राइडे के सेशन पे, वही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करा और वहां से एग्जैक्ट अपने डे लो की तरफ आ गए, ट्रेंड लाइन और 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ आ गया। अब क्या हो सकता है, अब ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छे से मिल सकती है गाइस। ये देखिए पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से इंट्राडे पे नीचे गिरा, हमें सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, हम सेलिंग नहीं कर पाए, हमने देखा नहीं। अब मैंने आपको क्या कहा हुआ है, जब अगर ऐसे कभी ब्रेक होता है और अगर वो नीचे कल चले जाता है काउंटर, तब आपको फ्रेश सेलिंग अपॉर्चुनिटी तब बनानी है जब वो दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन के पास आए और वहां पर रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा नीचे जाने की कोशिश करे, और वो फ्राइडे के सेशन में हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, फ्राइडे के सेशन में हमें यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी निफ्टी 50 के अंदर शॉर्ट करने के लिए, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। और गाइस यहाँ पर अगर हम फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते हैं, सो हमारा जो टारगेट होता है वो होता है 11500 का लेवल, जो कि हम देख सकते हैं 100 डे का मूविंग एवरेज है, या 11530 का लेवल, यानी 100 पॉइंट का लेवल इंट्राडे के अंदर अंदर ही निफ्टी 50 में हमें देखने को मिल सकता है। वहां से हम अपनी हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। हाफ क्यों कर लेंगे, क्योंकि गाइस अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है बाय चांस, अगर 100 डे मूविंग एवरेज और हम कहते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाती है, तो नेक्स्ट इसका लेवल होगा इसका दोबारा यहाँ पर सपोर्ट, जो कि है 11420 का लेवल, और नेक्स्ट टारगेट होगा 11300 का, जो कि 200 दिन का EM एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सो आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे आया, कंसोलिडेट करा, दोबारा ऊपर गया, ट्रेंड लाइन पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा, जो पहले ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट का काम कर रही थी वही रेजिस्टेंस फेस करा और दोबारा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारी फ्रेश सेलिंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाएगी, हम इसमें फ्रेश पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 11400 और 11300 का। तो गाइस अगर आपको ये निफ्टी का पूरा अच्छे से टेक्निकल समझ आ गया कि किस तरीके से हमें काम करना है, ये पांच स्टॉक्स जो मैंने आपको इंट्राडे के लिए दिए आपको समझ आ गया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस, और मेरी वो ट्रेड टॉक की सीरीज को जरूर देखिएगा, उस पे आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आपको मैं बहुत बेसिक से बताता हूँ कि क्या पैटर्न बन रहा है, कैसे ट्रेंड लाइन मैंने ये बनाई है, किस तरीके से काम करा हुआ है। आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऐसे 5 फेजेस दिखाए जाते हैं कि जिसमें आपको आसानी हो समझने में।
सो गाइस डिस्क्रिप्शन पे आपको वो पांचों के जो भी मैंने पर्टिकुलर स्टॉक्स बनाए हैं, चार स्टॉक्स की मैंने वीडियोस बनाई है, वो चार स्टॉक की आपको लिंक मिल जाएगी, जाके जरूर देखिए, आप अपना बेनिफिट उठाइए। पर्टिकुलर यूट्यूब से आपको फ्री कंटेंट देखने को मिल रहा है, सो गाइस आप अपना बेनिफिट जरूर उठाइएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के चैनल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वो वीडियोस आपको कैसी लगी हो, और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा कि गाइस आपको आप अगली कौन सी वीडियो पे ट्रेड टॉक की सीरीज में बनाऊं, कौन से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं जिस पे आपका इंटरेस्ट। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा।